हेलो एवरीवन, आज के ग्राफ थ्योरी के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमॉर्फिक ग्राफ। और आइसोमॉर्फिक ग्राफ जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में काफी सारी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। ग्राफ थ्योरी के इस वीडियो के अलावा मैं काफी सारे वीडियोस आप लोगों के लिए क्रिएट कर चुका हूं इस चैनल पर, तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है प्लीज जाके देखिएगा। उन सब के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन है। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट अगर आता है ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड तो आप जो है डेफिनेटली कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करके आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए आज की हमारी जो आज का टॉपिक है उसको देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आइसोमॉर्फिक ग्राफ। तो दो ग्राफ आपस में आइसोमॉर्फिक कब होते हैं जरा जरा समझते हैं। सपोज करिए आपके पास अपना ओरिजिनल ग्राफ है जी, जिसके अंदर एक वर्टेक्स का सेट है वी और एक एज का सेट है ई, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा ग्राफ है, तो पहला ग्राफ मान लेते हैं जी की जगह पर G1 ले लेते हैं। एक ग्राफ है G1, दूसरा ग्राफ है G2। पहले का वर्टेक्स का सेट है वी, दूसरे का वर्टेक्स का सेट है यू, और हमारा जो ओरिजिनल ग्राफ है उसके एज का सेट है ई, और हमारा जो G2 है उसका एज का सेट है एफ, ठीक है। दो ग्राफ हो गए G1 और G2। अब ये दोनों के दोनों ग्राफ आपस में आइसोमॉर्फिक तभी होंगे जब दोनों के बीच में एक बाइजेक्शन फंक्शन होगा, ठीक है। अब बाइजेक्शन फंक्शन क्या होता है, यानी एक तरह से 1:1 करस्पॉन्डिंग मैपिंग होगी दोनों के बीच में। अब देखिए कोई भी फंक्शन बाइजेक्शन तब होता है जब वो 1:1 करस्पॉन्डेंस होता है, साथ में वो आपस में जो है सर्जेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो बाइजेक्शन की एक फंक्शन है, तो देर इज अ बाइजेक्शन फंक्शन सच दैट वर्टेक्स के बीच में आपस में इस तरह से दोनों के बीच में इस तरह से 1:1 मैपिंग होनी चाहिए दोनों के वर्टेक्स के अंदर, कि दोनों के वर्टेक्स की जो आपस में एक तरह से कहा जाए कि नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं वो सेम हो और दोनों के बीच में आपस में एक तरह से 1:1 मैपिंग होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, द ग्राफ G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक इफ देर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन बिटवीन द वर्टेक्स सेट वी एंड यू। तो देयर इज अ फंक्शन एफ, जो कि एफ जो है बाइजेक्शन है और वी से यू की तरफ मैपिंग है, सच दैट फॉर ऑल V1 एंड V2, देखिए V1 एंड V2 जो है हमारे वर्टेक्स V का सेट पार्ट एलिमेंट्स है, इसी तरह से हमारे V1 एंड V2 जो है एडजेसेंट होंगे अगर G1 के अंदर, तो FV1 और FV2 जो है एडजेसेंट होंगे G2 के अंदर। देखिए ये F1 और F2 जो है, FV2 जो है, ये एक तरह के मैपिंग फंक्शन है जो कि आपके बन के आए हैं। इनका मतलब क्या होगा जरा मैं आपको दिखा देता हूं, मैथमेटिकली भी आपको बता देता हूं। अब सपोज करिए आपके पास एक सेट है, ये सेट जो है आपका यहां पर V1 V2 V3 इस तरह से आपके कुछ एलिमेंट्स हैं, मान के चलती है V4 है। इसी तरह से आपका एक और सेट है, ये सेट V है, ये सेट U है, यहां पर U1 U2 U3 और U4 है, ठीक है। अब आपने क्या किया, V1 से U1 को करेक्ट किया, V2 से U2 को करेक्ट किया, V3 को U3 से और V4 को U4 से, ठीक है। तो यहां पर एक तरह से V से U की तरफ मैपिंग है, तो ये जो मैपिंग है इस मैपिंग को हम लोग बोलेंगे F V towards U। और ये जो अगर ये V1 V2 आपस में, अगर ये V1 एंड V2 आपस में दोनों के दोनों एडजेसेंट होंगे और ये V का पार्ट है, तो ये U1 और U2 जो निकल कर आए हैं, अब देखिए U1 एंड U2 क्या है, ये U1 और U2 जो है एक तरह से आपके FV1 है और FV2 है। तो जो ये U1 एंड U2 निकल कर आए हैं ये हमारे जो है एक तरह से इस V1 के पार्ट है, V1 के करस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग सेट है हमारे U के अंदर। तो अगर V1 एंड V2 आपस में नेबर हैं, V1 एंड V2 आपस में नेबर हैं G1 के अंदर, तो ये जो U1 एंड U2 हैं ये दोनों के दोनों नेबर होने चाहिए G2 के अंदर, ठीक है। ये G1 के अंदर नेबर है, ये G2 के अंदर नेबर है, तो ये FV1 जो है ये इक्वल है U1 के,
और FV2 जो है ये U2 के इक्वल है, तो ये एक तरह का बाइजेक्शन फंक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर दोनों के दोनों ग्राफ के अंदर दोनों वर्टेक्स के बीच में करस्पॉन्डिंग V1 to 1 करस्पॉन्डिंग एक तरह से मैपिंग है, तो FV1 और FV2 जो है दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों एडजेसेंट होंगे। अगर V1 एंड V2 एडजेसेंट है तो FV1 एंड FV2 जो है G2 के अंदर जो है नेबर होंगे या एडजेसेंट होंगे। ठीक है, तो इस F को जो कि हमारा बाइजेक्शन है इसे आइसोमोर्फिज्म कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह का G1 और G2 के बीच में एक बाइजेक्शन फंक्शन काम करता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सो F इज कॉल्ड एन आइसोमोर्फिज्म बिटवीन G1 एंड G2 सच दैट, इसको हम लोग लिख सकते हैं देयर इज अ फंक्शन F सच दैट G1 और G2 आपस में जो है आइसोमोर्फिज्म है। ठीक है, तो F को हम लोग कहेंगे आइसोमोर्फिज्म, और एक तरह से जो हमारा G1 एंड G2 निकल कर आया है इसे हम लोग कहेंगे आइसोमोर्फिक ग्राफ। ठीक, अब ये एक एग्जांपल है आपका। अब तो देखिए, पहला तो मैंने आपको समझाया कि दोनों के वर्टेक्स सेम होने चाहिए। ठीक है, और दोनों के जो एजेस का जो एक तरह से नंबर ऑफ एजेस हैं वो भी सेम होने चाहिए कहीं हद तक। ठीक, तो अगर दोनों के वर्टेक्स सेम नहीं है और नंबर ऑफ एजेस सेम नहीं है तो पहली बात तो दोनों के दोनों ग्राफ आइसोमोर्फिक होंगे ही नहीं, साथ में इन तीनों दोनों का डिग्री सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। बट ये जो कंडीशंस हैं ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन जो है हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो दो ग्राफ आइसोमोर्फिक तभी होते हैं जब दोनों के बीच में, दोनों के वर्टेक्स के बीच में, सेट के बीच में, यानी दोनों का वर्टेक्स का जो सेट है उनमें बाइजेक्शन फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर दो ग्राफ हैं, ये दोनों ग्राफ हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये दोनों ग्राफ जो हैं आपस में आइसोमोर्फिक हैं या नहीं है। तो दोनों ग्राफ का हम लोग क्या करते हैं, डिग्री सीक्वेंस निकाल लेते हैं। देखिए, डिग्री सीक्वेंस निकालना नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। कभी बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने तो बोला कि अगर हम लोग डिग्री सीक्वेंस दोनों का सेम निकाल दें तो वो ग्राफ आइसोमोर्फिक हो सकते हैं, हो सकते हैं बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो क्यों नहीं है, आगे हम लोग आगे वीडियो में उनकी सफिशिएंट कंडीशंस को भी पढ़ेंगे। तो यहां पर अगर आप देखें कि दोनों के दोनों ये जो ग्राफ हैं कॉम्प्लीमेंट्री है, सॉरी आइसोमोर्फिक है या नहीं है जरा चेक कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनका डिग्री सीक्वेंस निकालते हैं। डिग्री सीक्वेंस मानने होता है एक नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग जो है उसको निकालते हैं। तो इसका अगर हम लोग डिग्री सीक्वेंस निकालेंगे तो ये जो है इसका 3 degree है, इसका डिग्री 3 है और इसका भी डिग्री 3 है, तो 3 3 2 2। चलिए, इसका डिग्री सीक्वेंस 3 3 2 2 हो गया। अब यहां पर भी 3 है एंड इसका भी 3 degree है, तो ये भी 3 3 2 2 हो गया। तो दोनों का जो डिग्री सीक्वेंस है सेम है, तो ये जो ग्राफ है हमारा आइसोमोर्फिक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी, इसको डी मान लेता हूं और इसको ई मान लेता हूं। तो उसके करस्पॉन्डिंग ये मेरा ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा, जरा देख लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर देखूं, ये जो ए है अगर मैं यहां पर इसको लिख देता हूं 1, ये 2 3 4 और 5। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे देखूं कि ए जो है मेरा, जो ए है ए, वो मेरा कहीं ना कहीं इस 1 के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो मेरा 1 क्या आएगा निकलकर, मेरा जो 1 आएगा वो एफ ए आएगा, जो मेरा 2 आएगा ये मेरा एफ बी आएगा, जो मेरा 3 आएगा ये एफ सी आएगा, और मेरा जो 4 आएगा ये एफ डी आएगा, और जो 5 है ये मेरा एफ ई आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, दोनों को बना के दिखाता हूं मैं आपको। तो अगर मेरा यहां पर ए है, यहां पे बी है, ठीक है, ये ए बी सी
डी और ई, तो ये 1, 2, 3, 4 और 5, तो ए की मैपिंग 1 से, तो आप जो ये लिख रहे हैं ये एक तरह का आपका जो फंक्शन है ये एफ ए है, ये एफ बी है, ये एफ सी है, ये एफ डी है और ये एफ ई है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो हमारा वर्टेक्स है ए, ये हमारा एक तरह से ए ही है ना, ए है ये, देन मतलब एफ ए लिख दिया, तो दोनों के बीच में आपस में मैपिंग है। तो यहां पे 2 की जगह पर आप यहां पे लिख सकते हैं बी, देन सी, ई और यहां पे आपने लिखा डी। तो अब ये दोनों के दोनों ग्राफ जो है आइसोमॉर्फिक है। देखिए दोनों के बीच में सेम वर्टेक्स हैं, सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं, सेम नंबर ऑफ एजेस हैं, बट किसी किसी केस में क्या होता है कुछ वर्टेक्स की जो कंडीशंस होती हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे, कोई एक्सेप्शन केस होते हैं। तो ये एक तरह का आपका दोनों ग्राफ जो है आइसोमॉर्फिक है क्योंकि दोनों के बीच में एक तरह से 1-to-1 मैपिंग है, ठीक है, और हमारा जो फंक्शन है वो बाइजेक्शन है, ठीक। अब यहां पर हम लोगों ने देखा, अब कुछ ऐसे भी ग्राफ होते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ निकालने सिखाया था। अगर कोई ग्राफ ऐसा है मान के चलिए आपका ग्राफ ऐसा है, अब इसके करस्पॉन्डिंग एक और कॉम्प्लीमेंट इसका ग्राफ अगर हमें निकालू, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या बनेगा मेरा कॉम्प्लीमेंट, जरा बताइएगा मुझे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे हम लोग ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। इस ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जरा निकालते हैं, तो इस ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जरा निकालते हैं। तो इस ग्राफ का जो कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा एक तरह से कुछ ऐसा होगा, अब ये जो दो ग्राफ मैंने बनाए हैं ये दोनों ग्राफ जो है आइसोमॉर्फिक है, ये प्रूफ कर सकते हैं हम लोग जैसे पहले वाला प्रूफ किया, साथ में कॉम्प्लीमेंट भी हैं, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट ग्राफ जो हैं आपस में आइसोमॉर्फिक भी हैं। तो दो ग्राफ अगर कॉम्प्लीमेंट हैं और दोनों ग्राफ अगर आइसोमॉर्फिक भी होते हैं तो ऐसे ग्राफ को हम लोग जो कहते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, क्या कहते हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं ऐसे ग्राफ को अगर दो ग्राफ आपस में कॉम्प्लीमेंट हो और आइसोमॉर्फिक हो, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग जो है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ कहते हैं अगर उनके कॉम्प्लीमेंट भी आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो देखिए मैंने जो आपको कंडीशंस बताई हैं कि सबसे पहले नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस को मैच कराइए और जो आपका जो डिग्री सीक्वेंस है इसको भी मैच कराइए, पर ये जो कंडीशंस हैं ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशंस नहीं है। सफिशिएंट कंडीशंस को मैं आगे के वीडियो में बताऊं क्योंकि एक वीडियो में काफी सारी चीजें हो जाएंगी, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ एक तरह के वही ग्राफ होते हैं जिनके वर्टेक्स जो है कि आप देख के नहीं बता सकते कभी भी कौन सा वर्टेक्स किसे करस्पॉन्डिंग है, तो आपको मैपिंग का सहारा लेना पड़ेगा जो कि मैंने आपको ये बताया, ठीक है। तो दो मैपिंग आपने करी, पहले तो मैपिंग करके देखिए, पहले मैच करा लीजिए कि वर्टेक्स की डिग्री आपस में सेम है या नहीं है, अगर सेम है तो डिग्री सीक्वेंस निकालिए, अगर डिग्री सीक्वेंस आएगा करेक्ट दोनों का सेम आएगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वो दोनों ग्राफ जो आइसोमॉर्फिक होंगे, कुछ एक्सेप्शन है वो हम आगे के एक्सेप्शन में उनको डिस्कस भी करेंगे। तो दोनों ग्राफ अगर दो ग्राफ आपको दिए हैं वो दोनों ग्राफ कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के और साथ में आइसोमॉर्फिक भी है तो ऐसे ग्राफ को हम लोग सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो आगे आज के वीडियो में हम लोगों ने आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है ये डिस्कस किया, और इसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए ग्राफ थ्योरी के क्रिएट किए हैं, बहुत सारे और भी टॉपिक है जो मैं बहुत जल्दी आपके सामने बनाने वाला हूं, उनको हम लोग जो है अपने आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, और ग्राफ थ्योरी के जो वीडियोज मैंने आपके क्रिएट किए हैं उनके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिए हैं, आप जाके उनको देखिएगा। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक